दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नवंबर 2020, नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहां एक y1t दिया हुआ है विच इज e टू द पावर माइनस थ्री टी, e टू द पावर माइनस थ्री टी एंड जीरो। एंड एक y2 वेक्टर दिया हुआ है विच इज जीरो e टू द पावर माइनस थ्री टी, सॉरी e टू द पावर माइनस फाइव टी एंड e टू द पावर माइनस फाइव टी। ये y2 वेक्टर दिया हुआ है। और एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है y डैश टी इक्वल टू सम ए वाई टी। ए यहां 3x3 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस फाइव टू एंड माइनस टू, देन वन माइनस फोर, माइनस वन, माइनस वन, वन एंड माइनस सिक्स। यहां एग्जाम में आपको ये राइट डाउन करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो सिस्टम है ये होमोजीनियस सिस्टम है, थ्री वेरिएबल में है। तो इसके जो सॉल्यूशंस का स्पेस आएगा v, जो सॉल्यूशंस का स्पेस आएगा yt, ये एक वेक्टर स्पेस बनाएगा और उसकी डायमेंशन डेफिनेटली थ्री डायमेंशन होगी। अगर n क्रॉस n होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उसका जो सॉल्यूशन स्पेस है वो हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा एंड इट इज ऑफ डायमेंशन थ्री। उसने कहा है कि ये y1 y2 इसके सॉल्यूशन है, तो y1 y2 दोनों इसके मेंबर हैं और दोनों डेफिनेटली li हैं। तो इस स्पेस में दो li वेक्टर तो आ गए, ठीक है, ये एक दूसरे के कॉन्स्टेंट मल्टीपल नहीं है। लेकिन इसका बेसिस बनाने के लिए एक थर्ड li वेक्टर जरूर चाहिए और वो मिलेगा भी, ठीक है। तो यहां उसी पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सॉल्व नहीं करना इस पूरे क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन कह रहा है कि y1 एंड y2 फॉर्म अ बेसिस, बेसिस नहीं बना सकता क्योंकि इसकी डायमेंशन 3 है और ये दो वेक्टर है, तो पहला ऑप्शन फॉल्स। सेकंड, y1 y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बट डज नॉट फॉर्म अ बेसिस, ट्रू, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्स्टेंट मल्टीपल नहीं है तो दे आर li, डेफिनेटली बेसिस नहीं बनाएंगे। थर्ड, देयर एग्जिस्ट थर्ड वेक्टर y3 सच दैट y1 y2 y3 थ्री फॉर्म, क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम है तो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, तो थर्ड li वेक्टर गारंटी की एग्जिस्ट करेगा। तो तीन वेक्टर से एक सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन बना सकते हैं, वो बेसिस बन जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन ट्रू। और डी कह रहा है कि y1 एंड y2 आर डिपेंडेंट, डेफिनेटली नहीं है, इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे ये कभी नहीं बन सकता, तो ये इंडिपेंडेंट है। तो फाइनल आंसर बी एंड सी, ठीक है। आप ये मैट्रिक्स लिख के सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम में रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको वो जनरल सॉल्यूशंस और इस होमोजीनियस सिस्टम के वेक्टर स्पेस बनाने की प्रॉपर्टी पूछ रहा है और उसकी डायमेंशन के बारे में पूछा गया है। तो n क्रॉस n होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उसका जो सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन होगा वो वेक्टर स्पेस बनाएगा और उसकी डायमेंशन n होगी।